हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोला थाना क्षेत्र में खेत में गए आवारा पशु के विवाद में युवती की हुई हत्या। 9 घंटे में पुलिस ने हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित सभागार में संपन्न हुई कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक। अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। जिले में 35 केंद्रों पर संपन्न हुई फायरमैन जेल वार्डन घुड़सवार की पुलिस भर्ती परीक्षा। एसएसपी ने कहा सीसीटीवी की निगरानी में पूरी शुचिता के साथ संपन्न हुई परीक्षा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक। विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करके विकास की परियोजनाओं को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हरिओम नगर स्थित बिस्मिल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल युवाओं के लिए हैं प्रेरणा स्रोत। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम के आयोजन का हुआ आगाज। वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति पर रखे अपने अपने विचार। गोरखपुर में शनिवार को मिले 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,615। अब तक 335 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 351 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। देश की आजादी के दीवाने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदानी दिवस पर जिला कारागार स्थित फांसी स्थल पर लगा मेला। लोगों ने यज्ञ हवन करके उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा शहीद बिस्मिल के विचारों से युवाओं को लेनी होगी प्रेरणा। और असुरन चौक स्थित राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारी अजय कुमार गुप्ता के आकस्मिक निधन पर राप्ती कॉम्प्लेक्स में शोक सभा का किया गया आयोजन। 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा को सद्गति प्रदान करने तथा उनके परिवार को इस अपार दुख को सहन करने के लिए ईश्वर से की गई प्रार्थना। बंद रही कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें।